बढ़ती महंगाई के कारण पेट्रोल और डीजल के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग जो डेली बेसिस पर ट्रैवल ज्यादा करते हैं या फिर लंबे रूट पर जाते हैं, वो बस यही चाहते हैं कि उन्हें अच्छा माइलेज मिले। तो क्या आप भी अपने सपनों की कार लेने चले हैं? मगर जरा सा ब्रेक लगा के ये इम्पोर्टेंट जानकारी तो देख लीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू व्हील्स 42। आज हम आपको टॉप 10 बेस्ट माइलेज कार्स इन इंडिया 2022 के बारे में बताएंगे। देखिए, हर कोई हाईएस्ट माइलेज वाली गाड़ी लेना ही पसंद करता है, साथ ही जो कार्स फ्यूल्स एफिशिएंट 42 का माइलेज देती है उसके बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगी। पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और सारी डिटेल्स कलेक्ट करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम उन गाड़ी के बारे में बात करेंगे जो कि 23 का माइलेज देती हैं। तो पहला नंबर आता है मारुति सुजुकी स्विफ्ट AMT जो कि 23.76 का माइलेज देती है और इसका एक शोरूम प्राइस है 7,24,000 से 8,63,000 के बीच में। दूसरे नंबर पर आती है टाटा टियागो पेट्रोल मॉडल जो कि 23.8 का माइलेज देती है। और तीसरे नंबर पर आती है हुंडई की वेन्यू न्यू डीजल जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है, जो माइलेज देती है 23.4 का और इसका एक शोरूम प्राइस है 11 लाख से ये स्टार्ट होती है। तो अब हम बात करेंगे उन गाड़ियों के बारे में जो कि 24 का माइलेज देती हैं। तो पहला नंबर आता है मारुति सुजुकी डिजायर पेट्रोल जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है, जो कि 24.12 का माइलेज देती है और एक्स शोरूम प्राइस है 7.69 लैक्स टू 9.13 लैक्स और ये 1197 cc का इंजन 4 सिलेंड्रिकल पेट्रोल में ये अवेलेबल है। सो नेक्स्ट है मारुति सुजुकी की ऑल्टो जो कि 800 cc पेट्रोल इंजन में अवेलेबल है और ये माइलेज कितना देती है 24.7 का और इसका एक शोरूम प्राइस है 2.94 लैक्स टू 4.36 लैक्स। 24 के माइलेज में ही जो गाड़ी तीसरे नंबर पर आती है उसका नाम है होंडा की अमेज डीजल जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल है और ये 24.7 का माइलेज देती है और इसका एक शोरूम प्राइस है 8.86 लाख टू 9.96 लाख और 1.5 लीटर डीजल इसका इंजन है जो कि 80 bhp पावर जनरेट करती है और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। तो नेक्स्ट है रिनॉल्ट क्विड जो कि 800 cc इंजन में अवेलेबल है और 24 का ये माइलेज देती है और इसका एक शोरूम प्राइस है 2.83 लाख से ये स्टार्ट होती है और इसके वेरिएंट पे डिपेंड करता है जो कि 4.13 तक ये जाती है। तो इतने प्राइस में एक अच्छा माइलेज देने वाली रिनॉल्ट क्विड ने अपनी जगह बना ली है। तो अब हम बात करेंगे उन गाड़ियों के बारे में जो कि 25 का माइलेज देती हैं। तो पहला नंबर आता है मारुति सुजुकी वैगनार जो कि 25.19 का माइलेज देती है और इसका एक शोरूम प्राइस 6.3 लाख से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है होंडा की WRV डीजल जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है और 25.5 का ये माइलेज देती है और 1.5 लीटर डीजल इंजन है जो कि 99 bhp पावर जनरेट करती है और इसका एक शोरूम प्राइस है 8.08 लाख टू 10.48 लाख के बीच में। अब हम 26 का माइलेज देने वाली गाड़ियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मारुति सुजुकी सिलेरियो AMT जो कि 26.68 का माइलेज देती है और इसका एक शोरूम प्राइस है 6.13 लाख टू 6.94 लाख के बीच में। नेक्स्ट है हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज डीजल जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है और ये 26.2 का माइलेज देती है और इसका एक शोरूम प्राइस है 6.75 लाख टू 8.04 लाख के बीच में। 27 का माइलेज देने वाली दोनों ही गाड़ियां होंडा की हैं। पहली है अमेज और दूसरी है जैज। अमेज और जैज दोनों ही मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल हैं और अगर हम अमेज की बात करते हैं तो वो 27.4 का माइलेज देती है और इसका एक शोरूम प्राइस है 7.05 लाख टू 9.96 लाख और अगर हम जैज की बात करते हैं ये भी डीजल में अवेलेबल है, ये 27.3 का माइलेज देती है और इसका एक शोरूम प्राइस है 8.7 लाख टू 9.41 लाख के बीच में, ये डिपेंड करता है वेरिएंट पे। फाइनली अब हम बात करेंगे उस गाड़ी के बारे में जो कि 42 का माइलेज देती है। तो 42 का जो माइलेज देती है उस गाड़ी का नाम है वोल्वो XC90 जो कि पेट्रोल में अवेलेबल है। 42 का ये माइलेज देती है, 1816 लीटर का इसका बूट स्पेस है। देखिए अगर हम इसको कहेंगे तो ये एक हाइब्रिड कार भी है, क्यों? क्योंकि 2.0 लीटर का सब चार्ज प्लस टर्बो चार्ज पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही इसलिए अवेलेबल है इसका इंजन, इसलिए इसे हाइब्रिड कार भी कहा जाता है। 640 का ये टॉर्क जनरेट करते हैं और इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1.25 करोड़ से ये स्टार्ट होती है, लेकिन इसका जो माइलेज है वो है 42 का।
सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको टॉप 10 बेस्ट माइलेज कार्स इन इंडिया 2022 के बारे में पता चल गया होगा और अब आप इजिली इसको खरीद सकते हैं जो जिसका आपको बेस्ट माइलेज लगा हो. सो अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे. सो थैंक यू.